एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन शर्मा व्लॉग डायरीज। तो फेस्टिवल सीजन फाइनली ख़त्म हो गया है और मैंने तो दिवाली को बहुत एंजॉय किया। आई होप आप सब ने भी एंजॉय किया होगा। और अब जब फेस्टिवल सीजन ख़त्म हो गया है, सारे फेस्टिवल्स अच्छे से हमने सेलिब्रेट कर लिए हैं, तो बारी आती है इस डेकोरेशन को रिमूव करने की, जो सबसे सैड पार्ट होता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं इन सबको लगाने में, अपने घर को सजाने में, और बाद में इनको उतार कर रखना थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा साल तो हम इसे ऐसे रख नहीं सकते। ये सारी चीज़ें अगर लगी रहेंगी ऐसे तो ख़राब हो जाएंगी, और वैसे भी इन्हें उतारेंगे नहीं तो अगले दिवाली पर, अगले फेस्टिवल सीजन में अपने घर को दोबारा से सजाएंगे कैसे। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि कैसे मैं इन चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ, ताकि ये बिल्कुल भी डैमेज ना हो और अगले दिवाली पर, अगले फेस्टिवल सीज़न पर मैं इन्हें दोबारा से यूज़ कर सकूँ। हर फेस्टिवल सीज़न में मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स तो न्यू लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। पुरानी चीज़ों को हम फेंक तो नहीं सकते। अगर इन्हें हम संभाल के रख लें और दोबारा इनको भी साथ में यूज़ करें, तो घर तो हमारा बहुत अच्छे से सजेगा ही और हमारे पैसे की भी बचत होगी। तो सबसे पहले मैंने इन सारी चीज़ों को उतारा और एक जगह पर इकट्ठा किया। सबसे पहले मेरे जो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स के गार्लैंड्स हैं, इनको मैं इकट्ठा कर रही हूँ और इनको मैं इस ट्रांसपेरेंट बैग में डालूँगी। ये एक ब्लैंकेट का कवर है जो मुझे ब्लैंकेट के साथ मिला था। ब्लैंकेट को तो हम यूज़ कर रहे हैं और ये खाली पड़ा था। तो सारे के सारे गार्लैंड्स मैं इसी बैग में रख रही हूँ, ताकि ये इजीली विजिबल भी हों और मिट्टी धूल से भी बचे रहें। मैं जब भी कोई ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ ना, तो मेरे पास जो पार्सल्स आते हैं उनके जो ये बॉक्सेस होते हैं, उनको मैं फेंकती नहीं बल्कि संभाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो यूज़ में आ ही जाते हैं। और ये जो हैंगिंग्स हैं फेस्टिवल डेकोरेशन में, ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अगर हम इधर उधर कहीं भी रख देंगे तो ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेडिकेट होते हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही नहीं रख सकते। और ये जो डिब्बे हैं, अब ये मेरे काम में आएंगे, क्योंकि मैं इन्हें अलग अलग डिब्बों में अलग अलग टाइप के जो हैंगिंग्स हैं वो रख दूँगी, ताकि वो आपस में मिक्स भी ना हो और टूटे फूटे भी ना। फेस्टिवल्स में जितना टाइम हमें घर को डेकोरेट करने में लगता है, उतना ही टाइम हमें इन सब चीज़ों को उतारने में और उन्हें सेफली अपनी जगह पर संभाल के रखने में लग जाता है, ताकि हम इनको दोबारा से यूज़ कर सकें। अब ये जितने भी मैंने उरली स्टैंड मंगवाए या उरली सेट्स मंगवाए हैं, उनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था और अब मैं इनको अच्छे से वाइप कर रही हूँ। मैंने इन सब के बॉक्सेस को संभाल के रख लिया था, ताकि मैं दिवाली के बाद इनको वापस बॉक्सेस में संभाल के रख पाऊँ, क्योंकि ये बाहर रहेंगे तो मेटल है जो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाएगा। जब हम इस क्वार्टर में शिफ्ट हुए थे, तो मैंने ये कार्टन्स यूज़ किए थे सामान रखने के लिए, किचन के यूटेंसिल्स वगैरह रखने के लिए, तो वो मैंने संभाल के रख लिए थे। और अब इस कार्टन में मैं सारे जितने भी बॉक्सेस और जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स हैं, वो सब इसमें रख के इसको अच्छे से पैक कर दूँगी। जितने भी तोरण वगैरह सब कुछ मैंने इसमें रख दिया और इसको अच्छे से पैक कर दिया। इसके ऊपर मेरे पास मास्किंग टेप थी, वो मैंने लगा दी है, क्योंकि मेरे पास दूसरी टेप ख़त्म हो गई थी, लेकिन मेन मकसद तो इसको सिक्योर करना था, जो कि मैंने कर दिया। और अब बारी आती है इन कुशन कवर्स को चेंज करने की। ये कुशन कवर्स बहुत ही प्यारे हैं और मैंने स्पेशली इस फेस्टिवल सीज़न के लिए मंगवाए थे। अब मैं इनको अच्छे से वॉश करके और संभाल कर रख दूँगी, और डेली रूटीन में जो कुशन कवर्स यूज़ कर,
इस टेबल को डेकोरेट करने के लिए मैंने यूज़ किया था अपना ये प्यारा सा दुपट्टा जो फेस्टिवल सीजन के लिए परफेक्ट था। अब बारी आती है इसको भी चेंज करने की और मुझे ये क्लोथ टेबल क्लोथ बिछाना पड़ता है क्योंकि जो हमारा एमियो है आपने देखा ही होगा वीडियो में, हमारा पेट हमारा डॉग एमियो, उसने ये टेबल चारों तरफ से खा ली है जो कि देखने में बहुत बुरी लगती है। सो फाइनली इट्स ऑल सेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट कर दो और सब्सक्राइब करना ना भूलना।